नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, न्यूमेरिकल सीरीज़ का ये पार्ट नंबर सेकंड है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो सीरीज़ है न्यूमेरिकल की, स्पेशल बीएचपीसीएल की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल न्यूमेरिकल ये सीरीज है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। और स्क्रीन पर ये पहला नंबर क्वेश्चन, अब इसमें क्या है कि निम्नलिखित चित्र में धारा I7 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे किरचाफ का करंट ला हम लगाएंगे और इसमें I7 करंट का मान कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। तो इस जंक्शन पे आप देखेंगे तो ये J1 करंट आ रही है और इस पर J2 भी आ रही है और J3 भी आ रही है, यानी यहाँ पे जितनी भी करंट आएंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो 1 एम्पियर मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 मतलब 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, तीनों 1 एम्पियर है तो यहाँ पे 3 एम्पियर हो गया। अब ये 3 एम्पियर जो हुआ ये I5 का मान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन पे जब मिलेंगे तो फिर इधर जाएंगे। I5 का मान कितना हुआ तो 3 एम्पियर हो गया, फिर इस जंक्शन पे आएगी। अब इस जंक्शन पे क्या होगा कि आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली, तो आने वाली करंट कौन सी है तो I5 है। तो I5 का मान कितना है 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर प्लस फिर इस जंक्शन पे आने वाली कौन सी है तो I6 है, तो I6 भी कितनी एम्पियर है तो 3 एम्पियर है, इक्वल टू जाने वाली करंट, तो जाने वाली करंट कौन सी है I7 है, तो ये I7 हो जाएगा। अब I7 का मान यहाँ पे देखिए 3 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर 6 एम्पियर, यानी I7 का मान जो आया वो 6 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट फेरों की संख्या 10 है। प्रति वोल्ट फेरों की संख्या 10 है। प्राथमिक का वोल्टेज 110 वोल्ट है। यदि द्वितीयक का वोल्टेज 25 वोल्ट है तो आवश्यक प्राथमिक और द्वितीयक में फेरों की संख्या बताइए। मतलब प्राइमरी N1 में फेरों की संख्या पूछा है और N2 में फेरों की संख्या, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में भी फेरों की संख्या पूछा गया है। अब देखिए कि प्राथमिक में वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट है और द्वितीयक में वोल्टेज कितना है तो 25 वोल्ट है। तो प्राइमरी में अगर हम फेरों की संख्या ज्ञात करें तो प्राथमिक का वोल्टेज यानी V1 इंटू प्रति टर्न वोल्टेज कितना है, तो प्रति वोल्ट फेरों की संख्या कितनी है 10, तो इंटू प्रति वोल्ट फेरों की संख्या 10 हो जाएगी। अब यहाँ पे वोल्टेज प्राइमरी का कितना वोल्टेज है तो 110 वोल्ट है इंटू प्रति वोल्ट फेरों की संख्या 10 है, यानी 1100 टर्न जो होगा वो प्राइमरी वाइंडिंग में हो जाएगा। क्लियर। अब सेकेंडरी वाइंडिंग का हम निकालेंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज इंटू सेकेंडरी में प्रति वोल्टेज फेरों की संख्या, तो वो भी यही रहेगी 10 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कितना है तो 25 का है इंटू 10 हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा। ये इसका मतलब यह हुआ कि प्राइमरी में टर्न की संख्या जो है 1100 है और सेकेंडरी में जो टर्न की संख्या है वो 250 है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, प्राइमरी में फेरों की संख्या 1100 और सेकेंडरी में 250, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि शिखर मान 100 वोल्ट है तो साइनोसोइडल तरंग के वोल्टेज का आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। अब आरएमएस मान ज्ञात करना है वोल्टेज का, तो वोल्टेज का आरएमएस मान इक्वल टू वी मैक्स यानी वोल्टेज का मैक्सिमम मान इंटू 0.707 हो जाएगा। अब वोल्टेज का मैक्सिमम मान कितना है तो 100 दिया है इंटू 0.707। अब देखिए ये दशमलव हटेगा
तो दो अंक के बाद दशमलव खिसक जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि 70.7 वोल्ट आरएमएस मान हुआ साइनोसोइडल वेव में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि थ्री फेज संतुलित भार की शक्ति को मापने के लिए दो वाट मीटर, जिसमें पहले वाट मीटर की रीडिंग जो है वह 300 वाट P1 है और द्वितीय वाट जो है वह P2 जिसे हम बोलेंगे उसका 500 वाट है, तो लोड में कुल इनपुट शक्ति क्या हो जाएगी। अब थ्री फेज बैलेंस लोड है तो दो वाट मीटर इसमें लगे हैं, तो टोटल इनपुट जो पावर निकलेगा वो P1 प्लस P2 हो जाएगा। अब P1 का मान जो है वो 300 वाट का है और P2 का मान जो है वो 500 वाट का है, टोटल हम पावर जोड़ेंगे तो 800 वाट हो जाएगा। ये 800 वाट जो हमारा निकला वह टोटल इनपुट पावर हुआ थ्री फेज बैलेंस लोड के केस में। ऑप्शन नंबर डी 800 वाट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें यूनिट्स से ये संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करना है, मैच आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, यानी पहले का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद प्रेरकत्व इंडक्टेंस मात्रक हो जाएगा हेनरी, यानी बी का जो होगा वह 1 हो जाएगा। इसके बाद वोल्टता का मात्रक जो होगा वो वोल्ट हो जाएगा, यानी सी का जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। और धारिता का मात्रक फैराड हो जाएगा, कैपेसिटेंस, यानी डी जो हो जाएगा वो 3rd नंबर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से ऑप्शन देखिए, ए में जो है फर्स्ट का 4 नंबर, बी का 1st नंबर और सी का 2nd नंबर और डी का 3rd नंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि BIS 93-20-1979 के अनुसार DC मशीन में जब उच्च वोल्टता परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है तो इंसुलेशन प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, इसको मेजर किस में किया जाता है, तो इसको हम मेगा ओम में मेजर करते हैं। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान जो है वह DC मशीनों में हाई रेजिस्टेंस रखता है, तो इसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो मान होता है वह 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1 मेगा ओम का मान जो होता है 10^6 ओम होता है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्योंकि 1 मेगा ओम का मान पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन जो है कि बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर क्या होगा। ये बाइनरी डिजिट है और ये भी याद रखिएगा कि बाइनरी डिजिट जो होता है वो 2 में ही होता है, 010101 करके। तो बाइनरी संख्या का जो रेडिक्स जिसे हम बेस भी बोला करते हैं कितना होता है, 2 होता है, जबकि डेसिमल संख्या जो होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ये डेसिमल संख्या में काउंट की जाती है। और इसका बेस पूछा जाए कि क्या होता है, जिसे हम रेडिक्स भी बोला करते हैं, तो याद रखिएगा 10 होता है। अब ये बाइनरी डिजिट दिया है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले इस बाइनरी नंबर को हम लिख लेते हैं 1101। अब यहाँ पर हम चला देंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे करते जाते। अब क्या है कि ये 0 है, इसको हम हटा देंगे, बाकी को जोड़ देंगे, तो 8 + 2 = 10, 10 = 11। ये इसका मतलब यह हुआ कि ये जो नंबर है बाइनरी में इसका हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो इसका मान आएगा 11 आएगा, तो 11 और इसका बेस जो होगा 10 होगा। ये बेस 10 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किए हैं, बाइनरी टू डेसिमल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है कि 2 पिन सॉकेट की रेटिंग क्या होती है। 2 पिन है तो इसकी रेटिंग क्या होगी, तो इसमें करंट का जो मान होगा वह 6 एम्पियर का होता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है
वह 250 वोल्ट होता है। वैसे में इसमें 240 वोल्ट स्टैंडर्ड आंकड़ा होता है, फिर वोल्टेज ऑप्शन के अकॉर्डिंग 250 वोल्ट दिया है तो फिर हम इसको प्रीफर करेंगे। अगर ये तीन पिन का रहता तो क्या कंडीशन होता, तो तीन पिन में याद रखिएगा 16 एम्पियर होता है, जबकि वोल्टेज जो होगा वो 250 ही होगा। इसमें भी स्टैंडर्ड वोल्टेज की बात करेंगे तो 240 वोल्ट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ दो पिन का पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर तीन पिन का पूछता है तो फिर ये वाला डाटा आप सब जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 7.5 एम्पीयर की पूर्ण लोड धारा वाली 5 HP मोटर के लिए अनुशंसित केबल का आकार क्या होता है, ये पावर सर्किट के अंतर्गत आएगा। अब इसमें एक लाइट एंड फैन सर्किट होता है, लाइट एंड फैन सर्किट इसमें क्या है कि अगर कॉपर है तो उसका साइज क्या होगा, 1 mm² का होना चाहिए। अगर एल्युमिनियम है तो इसका साइज 1.5 mm² का होना चाहिए। इस पर टोटल पावर कितना होता है, 1000 वाट का पावर होगा। टोटल पॉइंट कितने होंगे, 8 पॉइंट हो जाते हैं। लेकिन अगर पावर सर्किट है तो पावर सर्किट में क्या हो जाएगा कि कॉपर है तो कॉपर कितने साइज का होगा, 1.5 mm² का हो जाएगा। लेकिन अगर एल्युमिनियम का वायर है तो 2.5 mm² का हो जाएगा। टोटल इसमें पॉइंट कितने बनेंगे, 2 बनते हैं। और इस पर लोड कितना दे सकते हैं पावर सर्किट में, तो 3000 का लोड हम दे सकते हैं। यहाँ पे पावर सर्किट के ही अंतर्गत आएगा, 5 HP से ऊपर की मोटर का पूछा है तो पावर सर्किट के अंतर्गत आएगा। और इसमें कॉपर का साइज हम लेंगे 1.5 mm² का। फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब हम जाएंगे तो 1.5 mm² का कोई केबल नहीं दिया है, तो फिर इसके आसपास को हम प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पे 2 mm² कॉपर कंडक्टर दिया है तो फिर इसी को हम प्रीफर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ये डाटा आप सब जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एज पर IE रेगुलेशन द लोड ऑन विच पावर सब सर्किट, पीछे वाला भी डिस्कशन, पावर सब सर्किट शुड बी रजिस्टर्ड टू, मतलब पावर सर्किट में मैक्सिमम लोड कितने का हो सकता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम उसका डिस्कशन किए, पावर सर्किट होगा तो उसमें मैक्सिमम लोड जो दिया जा सकता है वह 3000 वाट का दिया सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पॉइंट की बात करता तो 2 पॉइंट बनते हैं पावर सर्किट में। लाइट एंड फैन सर्किट है तो इसमें मैक्सिमम लोड कितना दिया जा सकता है, तो अब यहां से ये अगला इसमें देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है कि एक घर में निम्नलिखित विद्युत भार दैनिक उपयोग किया जा रहा है। पहला इसमें है कि प्रतिदिन 6 घंटे के लिए 40 वाट के 3 लाइट उपयोग किए जाते हैं। दूसरा कंडीशन जो है कि प्रतिदिन 12 घंटे के लिए 80 वाट के 2 पंखे उपयोग किए जाते हैं। और तीसरा जो कंडीशन है कि प्रतिदिन 1 घंटे के लिए 1000 वाट के इमर्सन हीटर का उपयोग किया जा रहा है। यदि बिजली का प्रति यूनिट जो बिल है वह 3 यूनिट का है तो पूरे अगस्त महीने में कितनी बिल की राशि होगी, आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हम बारी बारी से एक एक का कैलकुलेट करेंगे। पहले तो 40 वाट वाले 3 ट्यूबलाइट का हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद पंखे का कर लेंगे और इसके बाद इमर्सन राड का कर लेंगे और टोटल यूनिट्स को जोड़ करके 3 से इनटू कर देंगे तो टोटल हमारा बिल कितना होगा कंप्लीट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम P1 देते हैं और P1 इक्वल टू वाट गुणे घंटा गुणे दिन अपन 1000 हो जाएगा। सब पे यही फार्मूला लगेगा। अब यहाँ से करेंगे वाट, तो पहले के लिए निकालेंगे तो वाट कितना है, 40 वाट हो जाएगा इनटू इसमें वाट गुणे घंटा, घंटा कितने दिन चलता है तो 6 घंटा चलता है, इनटू कितने लाइट हैं तो 3 लाइट हैं, इनटू कितने दिन के लिए, तो नीचे में देखिए पूरा कंप्लीट अगस्त महीने का कहा है तो अगस्त महीना जो है 30 दिन का नहीं होता, 31 दिन का होता है, तो यहाँ 31 कर देंगे अपन 1000 कर देंगे।
अब इसका कंप्लीट जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो आएगा यूनिट वह 22.32 आ जाएगा पहले का। इसी तरीके से जब हम दूसरे का निकालेंगे यानी P2 इक्वल टू करेंगे तो वाट, तो दूसरे में जो है 80 इंटू घंटा 12 इंटू दिन मतलब 31 दिन इंटू 2 पंखे अपन 1000 कर देंगे। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो कंप्लीट जो हमारा यूनिट्स बनेगा वह 59.52 बन जाएगा। फिर P3 हम कैलकुलेट करेंगे तो वाट, तो P3 में वाट देखिए 1000 है क्योंकि इमर्शन राड का हम कर रहे हैं, तो 1000 इंटू 31 अगस्त महीने का इंटू घंटा अपन 1000 हो जाएगा। जब इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1000 से 1000 मारा जाएगा, ये 31 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 31 प्लस 22.32 प्लस 59.52 इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ जो बनेगा वह 112.84 हो जाएगा। इतना टोटल यूनिट हुआ। अब एक यूनिट का जो बिल है वह 3 रुपया है तो इंटू 3 कर देंगे। अब इसमें कंप्लीट इंटू करेंगे इसमें 112.84 में 3 से तो वह 338.52 रुपया आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 10 ओम के प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधक से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके द्वारा क्षयत की गई शक्ति क्या होगी। रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम का है, करंट का मान जो है 2 एम्पियर है, तो हमें पावर लॉस पूछा गया है। पावर लॉस पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। आई स्क्वायर करंट का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस का मान जो है वह 10 है तो ये 10 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 40 वाट हो जाएगा, यानी इस प्रतिरोधक में पावर लॉस जो हुआ वह 40 वाट का हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।